आ गया ये पांडू आ गया ये। चल रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं जी नए व्लॉग में और आगाज़ करेंगे दुरूद पाक से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो कल व्लॉग नहीं आ सका जी, तबीयत कुछ सही जो है ना प्रॉपर सेट नहीं थी, तो व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं किया। और व्लॉग बनाए भी ना उस तरह से एनर्जेटिक बंदा होता नहीं है, तो व्लॉग बनता ही नहीं है। और अभी जो ना बिल्ले को फाइनली मैं लेके जाने लगा हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि उसके कानों की जो ना कोई ज़्यादा ही सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, तो जाके उसकी जो है ना ट्रीटमेंट वगैरह करवाऊँ। और अभी जो है ना मानी को बुलाया है, आज मानी घास नहीं काटने गया, उसको साथ लेके जाऊँगा क्योंकि बाइक भी लेके जाना है, तो पीछे जो है ना वो पकड़ लेगा उसको बिल्ले को। तो अभी निकलते हैं, नीचे नहीं आराम मिलता, ऊपर चढ़ के चारपाई पर खड़ा हो जाते हैं। ये अमरोही मुर्गी भी बीमार है, रात को मैंने इसको जंडा कैम बिसोल भी लगाया था और उसके अलावा टैबलेट भी दी थी, लेकिन सही सेट नहीं हुई है। अभी इसको जो है ना मज़ीद ट्रीटमेंट करनी है, ये भी बेचारी बीमार हो गई है। असल में गर्मी में जब गर्मी लगती है ना तो परिंदे बीमार हो जाते हैं। अभी समझ नहीं आ रही इसको हुआ क्या है। बाकी जानवर शानवर तो खोल दिए सुबह, क्योंकि सुबह आज मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, अभी जाने लगा हूँ तो मैंने कहा चले व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। वेदर कंडीशन बादल आ रहे हैं, धूप निकली हुई है और अच्छा मौसम है, धूप बादल मिक्स। तू अकेला रेस्ट मार, बिल्ले को लेके जाते हैं वापस, फिर आके तेरे साथ छोड़ेंगे, तब तक अकेले ही मौज मार। हाँ टॉम जेरी क्या हाल है, हैं आपका फुल रेस्ट, रात को सिक्योरिटी दिन को रेस्ट, गुड। चलो जी बिल्ले जी चलो, ये देखा इसके कानों की काफ़ी हालत ख़राब है, अभी जाके चेकअप करवाना है इसको, मसला क्या है। बदल काफ़ी ज़बरदस्त आ रहे हैं, अभी अल्लाह करे बारिश हो, मानी चेक कर बारिश आनी है, लेकिन वसनी नहीं। खिलाना खिलाना खड़ से ना खुशी नल जासी, एक उन्हें एडमिट करके देते थोड़ा सा महीने से दाखिल कराम जी अस्पताल, फिर इसका बंडा उतू ही गिन के पाना पै जी, रोज़ करो डाली ना गड़ा कपके गिंजुल सा, हमारा मरीज एडमिट है वो खाता है चारा। तुम क्या कर रहे हो, नांगे मांगे हो थे नवाज शरीफ, इन्हें सारे नाल लेके इनके आ गए हैं, ना आ रही हो सबक पढ़ लगे हैं, कोई नहीं मुड़ के आ रहे हैं। आज तो सारा संगी मोटा कैसे वे मुरादा इधर छलांगे मार रहे हैं, पहलवान गायब है, पहलवान गया हुआ है पिंडी हाबी भाई के घर, फरक के साथ गया था, फरक वापस आ गया है, उसको छोड़ आए हैं छुट्टियां गुजारने के लिए, वरना इनके साथ पक्की पार्टी है पूरी पलटून। डॉक्टर को चेकअप करवाया है तो उसने यही बताया है कि धूप पे फिरने की वजह से ना मैदे की प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है मेरी, अभी ये माथे पर दाने छाने भी निकले हैं, अभी इसी वजह से तकरीबन 3-4 दिन हो गया मंडियाँ छड़ियाँ छोड़ दी हैं, जब तक प्रॉपर जो है ना सेहतयाब नहीं होता तब तक मंडियाँ कोई नहीं करनी, लेकिन आज मजबूरी है धूप में जाना पड़ रहा है, और वो भी बेले की वजह से, धूप से बचाओ इसीलिए ये रुमाल साथ लेके आया हूँ, चलें कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। हेलमेट हेलमेट मोटरसाइकिल देना है, चलने फिरने पाँव सेरते मानी कहते हेलमेट साथ ले आओ, वाह जी वाह। मंडियाँ कर करके तो मेरे मैदे की तबाही हो गई है, गर्मी सारी हीट अप हो गया मैदा, और उसकी वजह से सारा जो है ना निज़ाम ही ख़राब हो गया है, अभी मेरे मुंह पे कभी भी दाने नहीं निकले, माथा मेरा फुल हो गया दानों से, गर्मी के दाने सारे, अभी रेस्ट करूँगा ख़त्म हो जाएंगे। तो बड़ा काम ख़राब है, मोटरसाइकिल धूप पे खड़ा रहा है, ओह गर्म आग बना हुआ है, ऊपर बैठेंगे सड़ जाएगी। टाइम तो तकरीबन 10 बज गए, लेकिन धूप इस तरह जैसे 2 बजे धूप निकली होती है, बिल्कुल सख्त धूप है आज। क्या मानी हमारी तहसील खानपुर, खानपुर में यहाँ पे है सरकारी हॉस्पिटल, इंसानों का भी और जानवरों का भी। अभी हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, अभी चेकअप करवाते हैं बिल्ले को हुआ क्या है। ये तो आते इधर चढ़ाई शुरू कर दी इसने, ये छोटा सा हॉस्पिटल बना हुआ जानवरों का, ये 2 कमरे बाकी पीछे खुला मैदान, मेरे पीछे चल पड़ेगा। चल आ जा बिल्ले, बिल्ले आ जा आ जा आ जा, चल सब्र कर मोटरसाइकिल पे लेके जाऊंगा। ट्राइबर्सन दिया इंजेक्शन, वो तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, चलें एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, ज़रूरत पड़ सकता है। बाकी उसके अलावा एक और इंजेक्शन लेके दिया ना वो लेते हैं, और एक जो है ना कोई मलहम सी दिया है इसके कान पे लगाने के लिए, करते हैं ट्रीटमेंट, अल्लाह पाक इसको सेहतयाब करें। चढ़ाई इसने इधर शुरू कर दिया, आइसक्रीम खा बिल्ले भी खिला,
100 क्रीम ते खा गए पर मजा भी है लाइए जेड़ा मजा भी है पहली जी ना 100 पहली जी नहीं है। मैं ये चॉकलेट मुझे अच्छी नहीं लगती, खा तो ली है पता नहीं चला जब खोल बीच में चॉकलेट वाली निकली है कौड़ी कौड़ी मजा नहीं करती। ओनली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बेस्ट होता है बस। ये चॉकलेट हर बंदे की फेवरेट होती है लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती, कड़वा कड़वा जायका आता है। इसीलिए मैं मानी को बोल रहा हूँ वो जो 20 रुपये की कौन मिलती है ना उसका मुकाबला नहीं है। मानी की मुँह की ये खल, यहाँ से खल लेने लगे चेक करे, बैल शैल वाला काम ख़त्म हो गया, मशीनी काम है, तेल भी निकली जा रहा है और खल भी। कितनी खड़ से 3 किलो ले लेना, 4 खड़ से इसके साथ साथ अभी 30 किलो खल भी रख ली है और मोटरसाइकिल से हम पोते का काम ले रहे हैं। यहाँ पे खड़ा कर दिया है, अभी इसके बाद गाड़ी लेके जाऊंगा मोटरसाइकिल क्योंकि अभी बारिश इतनी नहीं है, रास्ते दोबारा ठीक हो गए हैं और मैं उठाता हूँ मानी की खल ताकि कोई पसीना शसीना आए घर तक लेके जाऊंगा ना 30 किलो खल, क्या पता मैं तो ठीक हो जाए पसीना आने की वजह से। आया ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं बिलागर आया त्रोड़े के नीचे क्या चौधरी साहब पारा दे नहीं, मैं पारे मरू तो जाना पे, मैं ना पसीना निकले जान खुले। इसको तो पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये पीछे दौड़ते जो है ना जो स्पीड लगा के दौड़ता हुआ आया है। हाय हाय, असल में हमारी रूटीन बन चुकी है ना, यहाँ से मन 50-50 किलो वजन जो है ना वो रोड से उठा के इस साइड पे लेके आते रहे, काफ़ी सफ़र है यहाँ, नया बंदा जो है ना खाली नहीं चल सकता, वजन तो दूर की बात है उठाना। ये जैसे 30 किलो का बैग उठा के तकरीबन मेरे ख्याल से 5 से कम मिनट ही लगे होंगे, 3 से 4 मिनट लगे मैं इधर तक पहुँच जाऊँ, अगर कोई और होता ना बाहर का बंदा वो खाली उधर से इधर आने तक आधा घंटा लगा देता। मैं एक और गल दसो, 14 अगस्त झंडे लासो झंडा ऐसा पा किन्ना डंडा नहीं किन्ना डंडा पहन तू नहीं होया खाली झंडा गिनो सिरे ना बन के ऐ ते असी 14 अगस्त मनाने जो गिना वा डंडे दे ओ आज बाबू लतीफा सुना बोस बंदा लतीफा ये मुंह तू जब ला छोड़ा ना मुंह तक हस पे आया लतीफा तू इस तरह सुनाया जिस तरह कोई जिरगे नहीं सीरियस गल हो रही है लतीफा सुनाओ लतीफे ने अंदाज में फिर आसा ने फिर मैं हस छोड़ना इस दफा 14 अगस्त कोई नहीं मनानी झंडे झंडे घर आन के लाओ बाजे ना मारे मेहरबानी करके बाजे ऐसा नहीं उंज भी बजे ने महंगाई नाल महंगाई तो नहीं हुई है ना बाजे लोगों ने उंज बज गए बाजा मार के साबित कर सो कि असा पाकिस्तान ने रहने बड़ी खुशी पे होनी हुक्मरान असन चटनी बढ़ा रहे हैं बिले को जो इंजेक्शन रह गए दो वो लगाते हैं और उसके जो ना कान पे वो जो एलर्जी की दवाई दी है वो एलर्जी की दवाई भी लगा के फिर उसके बाद रेस्ट करते हैं। पूरा वेटनरी स्टोर बनाया हुआ मैंने इंजेक्शन ये जब मुर्गों को देनी पड़ती है ना दवाई तो ये साथ लगा के इंजेक्शन के साथ टीके के साथ तो फिर अभी कीमतें डबल हो गई हैं। मैं ये ट्राइबर्सन पहले कितने का लेके आया था इसके ऊपर प्राइस लिखी होगी, ये तो सेल्फा डिमाडाइन है डेमाडीन, ये आ गया ट्राइबर्सन इसके ऊपर प्राइस लिखी होगी, ये हर किसी ने अपनी प्राइस लिखी होती है जिसके पास आता है ना इस पे लिखी है 566 है, ये भी उनकी अपनी कंपनी की नहीं है, ये दुकानदार की अपनी मोर लगी हुई है और ये देखें इसके ऊपर 634 लगी हुई है मोर। हर बंदे का अपना तरीका है अपने हिसाब से मोर ठोकते हैं, कहते हैं महंगाई है खुद ही लगाई जा रहे हैं टीके आवाम को, ये जितनी भी मोरें होती हैं ये कंपनी की नहीं लगी होती है ये दुकानदारों की अपनी लगी होती है, पीछे से अगर 200 का आता है ना ये 500 के ऊपर मोर लगाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि 200 का आया 300 का बेच दें, कहेंगे 500 का बेचेंगे तो आराम आएगा। ये सारी देखें अभी इसके ऊपर भी जेन्युइन मोर नहीं है, ये कंपनी की नहीं है, ये दुकानदार की अपनी लगी हुई है। पाकिस्तान में महंगाई की सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं, हुक्मरान 50 रुपये बढ़ाते हैं हम 500 खुद बढ़ा देते हैं, ठीक है हम खुद एक दूसरे की गर्दन काटने वाले हैं, हुक्मरान तो हैं ही हैं हमारे माशाल्लाह से मोमन, हम खुद उनसे बड़े मोमन हैं क्योंकि अल्लाह ताला का भी ये कानून है ना जैसे ही अवाम वैसे हुक्मरान। ये देखें ये भी लगी हुई है 566 रुपये का, ये मैं पहले लेके आया था लेकिन ये है कि जिसका दिल करता है अपनी मर्ज़ी से मोर ठोक के बेची जाओ। अब ये आइवर मैक्रेन चेक करें, ये 1000 रुपये का मुझे मिला है, ये तकरीबन कोई कुछ ही टाइम पहले मैं 500 का ले गया था कि 350 का, अभी डबल रेट हो गया है। ये है अभी 50 ml वाला और 1000 रुपये का जो मिलता था वो था 100 ml वाला, अभी देखें ऑफ कर दिया और कीमत वही डबल। ये पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं और हम मनाएंगे 14 अगस्त बाजी बजा बजा के। ये कानों पे लगाने के लिए कहते हैं देश क्या नाम है डालडा घी जो है ना उसमें मिक्स करके लगाना है कानों पे, ये एक बोरिक एसिड होता है मेरे ख्याल से वही है, वो मैं लगाता था मुर्गों को जब सफ़ेदा होना बोरिक एसिड उनके मुँह पर लगाओ तो सफ़ेदा ख़त्म हो जाता है, ये भी मेरे ख्याल से वही वाला लग रहा है, क्या पता वो है कि क्या है।
बोरा कैसे डाया होता है, वो दानेदार था, ये पीसा हुआ है। ये चीज़ें मैं वीडियो में इसलिए शेयर कर देता हूँ, मैंने कहा चलें मैं खुद तो ट्रीटमेंट कर ही रहा हूँ, आप में से भी अगर कोई करना चाहे तो किसी का फ़ायदा हो जाएगा। ये घी डाला है इसमें, इसके अंदर डालते हैं बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड है पता नहीं क्या चीज़ है, अभी ये चीज़ का मैं पूछने से पूछ लेता तो बेहतर था। चलें बंदा बाद में ले के आता है तो खुद से ही जो है ना। रात को मुर्गी को मैंने ये इंजेक्शन लगाया था, ये इतना ज़बरदस्त इंजेक्शन है ना, कोई भी इन्फेक्शन हो ये उसके लिए आप जानवरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मुर्गियों में, जंडा गेम भी। कैमरा मैन नहीं है वरना मैं इंजेक्शन लगा के आपको दिखाता। ये जो है ना इंजेक्शन मुश्किल से लगता है, स्किन में लगाना पड़ता है, इसका एहतियात करनी पड़ती है कि गोश्त में ना जाए, इन्फेक्शन हो जाता है। और ये है भी थोड़ा लिक्विड टाइप होता है ना, लगता भी थोड़ा मुश्किल से है। दवाई भी लगा दी बिल्ले को, इंजेक्शन भी लगा दिए, अभी कल जो है ना दोबारा लगाना है इंजेक्शन। तकरीबन मेरे ख्याल से 2-2 CC उसको 3-4 दिन लगेंगे, उसके बाद ही असर पता चलेगा। ये एक नया आइटम मेरे ख्याल से, इससे पहले मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, ये हमारे इलाके में इधर होता है, ये सावन के बाद जाग ना एक महीना, ये ज़मीन से निकल खुम्बी बोलते हैं, ठीक है, ये बाहर इलाकों में होती हैं लेकिन इधर हमारे इधर सिर्फ एक महीना सीज़न में, महीना भी नहीं 20-21 दिन होती हैं। ये आज मिली हैं जंगल से, ये देखें, ये बतौर सब्ज़ी इस्तेमाल होती है और बड़ा टेस्टी होता है इनका सालन मुर्गी की तरह। ये चेक करें, ये ज़मीन से निकलती हैं, जब बारिश वगैरह हो ना तो उसके बाद जो है ना ज़मीन से निकलती हैं। ये आप YouTube पे सर्च करके देखिएगा, आपको उसकी जो है ना वीडियोस मिलेंगी, लेकिन पाकिस्तान की नहीं मिलेंगी, बैरून ममालिक की। ये सब्ज़ी है एक, और इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है, सालन बनेगा तब भी मैं दिखाऊंगा। ये पिछली मरतबा मैंने दिखाई थी वीडियो में, हल्का सा क्लिप दिखाया था, काफ़ी सारे दोस्त कमेंट करके कह रहे थे ये खाने वाली चीज़ नहीं है, हम बचपन से खाते आ रहे हैं और हज़ारों दुनिया खा रही है हमारे इलाके में, और इसके अलावा जिस इलाकों में होती हैं लोग खाते हैं, और कुछ को तो पता ही नहीं ना, जो आजकल की जनरेशन है उसको इस चीज़ के बारे में इल्म ही नहीं है। ये ज़मीन से निकलती है, जैसे और भी कई चीज़ें होती हैं जो ज़मीन से निकलती हैं, ये भी एक सब्ज़ी ही होती है, लेकिन टेस्ट इस सब्ज़ी का गोश्त वाला होता है। ये चेक करें, इसकी मुख्तलिफ कैटेगरी होती है, कुछ इस तरह की होती हैं, ठीक है, गोल गैप वाली इस तरह की निकलती हैं, और जब थोड़ी देर के बाद कुछ टाइम गुजरता है ना फिर वो इस तरह खुल जाती हैं, फूल बन जाता है। ये चेक करें इस तरह, ये आज फ़र्क और जो है ना नाजम साहब ले के आए हैं, ये कुछ छोटी गैप वाली होती हैं, कुछ इस तरह बड़ी गैप वाली, या बड़ी होती है ना तो थोड़ी देर के बाद खुल जाती है, फिर इसको घर ला के धुलाई करके फिर इसके इस तरह छोटे छोटे हिस्से करके दोबारा इसको सही तरह से धो के फिर इसका जो है ना सालन बनता है, सालन भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये दूसरे जो बाबे गफूरे के साथ एक और चाचा होते हैं, चाचा जुमा बकरियों वाले, उधर बकरियाँ चला रहे थे, उनको नज़र आई हैं, कॉल की है, फिर फ़र्क किया है, जाकर उधर से ले के आया। ये चेक कर लें, मेरे ब्लॉग से आपको एक नई चीज़ देखने को मिल गई है, खुम्बी। आजम साहब कितू लाए गए हो सीढ़ियाँ? मैं नाल खड़ो भाई ना, मैं वीडियो बनाऊंगा, जिम्मी तो कटा है, एक ब्लॉग बने हैं, थक जिलो भाई शेयर कर दे थके। मैं सोया हुआ था जी, ये गए हैं सही धूप में, अभी तो 5 बज रहे हैं ना, ये गए थे मेरे ख्याल से 3 बजे गए हैं, सही ज्यादा ही कुछ छोड़ा हुआ, सारियाँ पटक गया, अदियाँ छोड़ रहे हो सब माशाल्लाह, एनक किस्म दी बड़ी VIP किस्म दी न्यू एंट्री 2024 ए मगर जगीर मंडी ला गया विजय शीशा ही उड़ गया 2024 न्यू एंट्री, एनक मेरा बड़ा साथ देती, मैं 120 रुपए नियां कितनी तकरीबन साल एक लाइयां तक ना कितनी सोनिया पे लाइयां, इस तो हवा शवा भी लग सी ना, केड़ा निका जा मेरे चकरी निकी जी टापी के लेक्चर दे रही है सारे क्लियर के हैं, तू मैं पहले 10 लेक्चर के पे देनी है ना क्लियर के कितने गई रही है कल कितने गई है दादू नाल मुड़ के आई है किड़ी जगह जगह बाकी चिंटू के भाई आ गए लेकिन चिंटू अभी तक गायब है, दूसरी मुर्गी भी थोड़ी सुस्त नज़र आ रही है, अभी रात को ही उसकी ट्रीटमेंट करूँगा क्योंकि रात को दे के ना उसको दवाई शवाई बिठा दूंगा, रेस्ट करेगी तो दवाई सही असर करेगी। अभी इनमें से कुछ आए हैं कुछ नहीं आए, ये सोकड़े वाले इनको मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि दिन को ये इस तरह दाने शाने खाते हैं ना बाजरा, क्योंकि सोकड़े वाले परिंदे का खुश्क दाना बंद करना पड़ता है, ये खाते रहते हैं, इनको बंद करके ट्रीटमेंट करूँ तभी सही असर करेगी। पहुँच जाइयो वापस पानी पियो, एक रह गई उधर गई ओ आ गई, वेलकम बैक, हूँ रह गया पीछे पांडा, पांडा साहब नमाशा लिया टी टाइम।
विद तंदूर की रोटी। बांह तक अपनी छोड़, ये तू ट्रीटमेंट नहीं कराई सारी खराब हो गई है। इलाज नहीं करवाई ना? इलाज कराया, पायोडीन मुशक पे आनी ना दो। पायोडीन नल दे नहीं सही होना, ऐसे कैप्सूल पा जड़े पीप्स खाने ओ दिखवाना डॉक्टर को लो आना मैं देवा मेरे को बकियां डंगरा ने ठीक है नहीं रावे नहीं नहीं फिर ब्याह करना ही ब्याह निकल गया जानवर बन जला जानवर नहीं बनना ठीक उसे एक ऐसा खराब हुई ज्यादा ये तेल लाना रहना ऐसा जख्म एक बार खुशक होण दे खुशक हो गए फिर उस तो बाद इस पॉलीफेक्स ला ए मामा आ गया शामा वालेकुम सलाम ना ना के तक करू निकली वीडियो तक की मम्मी जी चाड़ी जा किड़ी ए शादी ली किड़ी जे लाइक की ना तो बात आई बड़ी लाइक की समझ आई तो हां मैं लाइक नहीं समझ आई जैसे तू लाइक कीता ना उसे लिखे आया लाइक जात ना मां सही गाल है पाक मैं तो लाइक भी कीता हां वाह वाह कसम हीरो में ना यार तू हीरो में जिन के खा रहे हैं आइसक्रीम जिन बनना ओ गाइयां आई नहीं जिन बन जल्दी कर नहीं आज जिन नहीं पे सही बनना है आज आइसक्रीम खाने चस्के लगे ना ओ गाइयां आई नहीं टॉम जैरी क्या कर रहे हैं टॉम जैरी उधर अपनी अयाशी लूट रहे हैं कल बड़ा एंजॉय किया इधर कुकिंग करके ना यकीन माने कि मज़ा ही आ गया है मछलियाँ तो इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन ये है कि अच्छा जो है ना हो गया है शुगर मेला। टॉम जैरी क्या हाल है आपके और शरारतियों आप गली से जो भी गुजरता है ना उसकी ये सही जो है ना खबर लेते हैं और जो भी गुजरता है मांगने बगैर यहाँ से नहीं गुजरता कहता जी एक दे दो मैंने कहा एक दे दूँ खुद भी जाऊँ काम से और आपके भी काम से जाए क्योंकि जोड़े में जो है ना सिक्योरिटी सही करते हैं अकेले अकेले सिक्योरिटी सही नहीं होती। चलो 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 मस्तियाँ नहीं चलो 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 बड़े टाइम बाद मैंने कुत्ते रखे हैं और जब से मेरा वो एक कुत्ता मरा था ना उसके बाद मैंने कुत्ते लाए नहीं हैं और ना कोई काम का मिला है। यहाँ की थी रात को कुकिंग चूल्हा खाली पड़ा है अभी नेक्स्ट देखते हैं कौन सी कुकिंग होगी। बिल्ले कर रहा है चराई शराई बिल्लू चेक करें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है कौन से कामों को लग गए ओए क्योंकि दोस्त आ गए पांडू आज पीछे रह गया दूसरे किसी के जानवर के साथ चला गया। हाँ भाई पांडू के दोस्त पांडू को छोड़ के आ गए हो अब आज अपने जो है ना दूसरे दोस्तों से हट गए नई दोस्त के साथ आ रहा है देखे पांडू मियाँ हमारा शहजादा जब इसके साथ ले गया आऊँगा ना बछड़ी फिर इसको किसी के दूसरे जानवर के साथ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये फिर अपने जो है ना जोड़े में चलते रहेंगे। आ जाए पांडू आ जाए शहजादे भाग के आ भाग के ये गाय बड़ी ज़बरदस्त थी लेकिन इन्होंने सही जो है ना इसकी संभाल नहीं की क्रॉस भी टाइम से नहीं करवा सके ये चोलिस्तानी देसी क्रॉस में बड़ी अच्छी नस्ल में थी अभी तक इसने कोई ब्रीड नहीं दी हालांकि ये जिसकी मेरे ख्याल से 4 दांत से 6 दांत होगी। पांडू आ गया ये पांडू आ गया ये चल पांडू भाग गए पूरा दिन चराई करके भी इसका पेट खाली है ये मुझे अभी तक जानवरों की समझ नहीं आ रही क्या चक्कर है इनके साथ तरीका एक आ रहे फाइनली पांडा वेलकम बैक पूरा दिन चराई करने के बाद भी पांडा पेट खाली का खाली तगड़ा नहीं हो रहा है वजह क्या है गर्मी है इसके अंदर इसको तेल शेल देंगे तो तगड़ा होगा अभी पानी पिएगा तो पेट इसका निकलेगा। बकरियां भी कमज़ोर मुर्गे भी कमज़ोर बच्चा भी कमज़ोर खा पी ठीक रहे हैं खुराक पूरी है लेकिन तगड़े नहीं हो रहे पांडू ऐसे गोल मटोल हो जाए ना पांडू के अंदर गर्मी है इसको तेल मिलेगा बकरियों को भी तेल मिलेगा वो सेट हो जाएंगी और इनकी तो मैंने बीमारी पकड़ ली है ना ये खाते हैं बाजरा और गंदम और खुशक वो इनसे हजम नहीं ना सही होती तो ये इस वजह से ग्रोथ नहीं कर रहे इनको गीली रोटियां डालेंगे तो ये भी तगड़े हो जाएंगे। बाकी एक और खुराक कर इंशाल्लाह मैं इनकी तैयार करूँगा गार हुआ तो और पास पानी जितना पीना है पीने देखे अभी पेट शेट निकाला है पानी पिया ना क्योंकि खाने की वजह से ये पेट नहीं निकालते खाना जितना मर्जी खा ले पानी ऊपर से पीते हैं तो फिर इनकी सही जो है ना
पेटी शेटी निकलती है। शहजादा है ये हमारा, इसके साथ जल्द से जल्द लेके आऊँ एक बछड़ी, फिर जो है ना जाए ना जाए ना जाए ना जाए। चल अंदर, चल 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 अंदर। ये अभी भागने की कोशिश कर रहा है कि मैं उन जानवरों के साथ जाऊँ। चल अंदर, चल 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 चल। जानवर आप सारे आ गए वापस। तुम क्या खा रहे हो? किधर भी जी बिल्कुल भैया, ये मैं खाऊंगा पकवान, मुझे दिए किसने? एक आशम ने दिया है, ये चक मार के शमन ने दिया है। आया था मैं इधर नाजम साहब के घर, कहकर देरा पार के वापस जा रहा हूँ, कल दोबारा चक्कर लगाऊंगा। शाम का मेरे मोहल्ले का व्यू, चेक करें सालन तैयार हो गया है। यूँ ही महसूस होता है जैसे चिकन की बोटियाँ बंदा तोड़ के डालते हैं ना, वो हिसाब हुआ है। खाने में भी बड़ा टेस्टी है। और खा हुआ नाजम के तरफ गई, नाजम ने सागर डाली है। वो आया ही नहीं, मॉडल ड्रामा था कि क्या।